शासन के निर्देशों के क्रम में रेस कैंपेन के अंतर्गत शहीद स्मारक मेरठ में नगर निगम ने सामाजिक संस्थाओं और आमजन के साथ महाशपथ और सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में क्लीन मेरठ और सुरभि परिवार संस्था के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने हेतु सभी लोगों से अनुरोध किया गया, जिसके उपरांत नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा रेस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक न इस्तेमाल करने और शहर को स्वच्छ करने की शपथ भी दिलाई गई। सहायक नगर आयुक्त इंद्र विजय सिंह ने बताया कि शहर में नगर निगम द्वारा सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक नाश कर खत्म करने का ये जागरूक किया जा रहा है। पूरा यकीन है कि शहर के जागरूक लोग जो है इसमें अपना पूरा सहयोग देंगे और जरूर मेरठ शहर और हमें लगता है पूरा देश प्लास्टिक मुक्त जरूर होगा। जी बिल्कुल, अभी तक तो 1 तारीख तक हमें अवेयरनेस के लिए कहा गया था और हमने सबको जागरूक भी किया। अभी तक हमारा कोई इन्फोर्समेंट का काम नहीं हुआ है, लेकिन अब क्योंकि सब तक ये बात पहुंच गई है कि 1 तारीख से प्लास्टिक बैन हो चुका है सिंगल यूज प्लास्टिक, तो अगर इसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ जो है परिवर्तन की कार्रवाई की जाएगी, उनसे जुर्माने वसूले जाएंगे। उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो उनपे जिस तरह विधिक प्रावधान है उसके तहत सजा का भी प्रावधान है, तो उसके भी कार्रवाई की।